So hello everyone, welcome back to our very new super cool video. Today we will discuss a unit of biology, diversity in living world, class 11th, chapter 1, the living world. Okay, अगर आप शुरुआत करोगे तो यूनिट वन के शुरुआत में ही आपको बहुत अच्छी सी लिटरेचर दी गई है कि बायोलॉजी एक साइंस का लाइफ है, मतलब लाइफ का साइंस है, लिविंग प्रोसेसेस का डिस्क्रिप्शन होता है उसमें. ये सब बहुत अच्छा लिटरेचर है, बट यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा. तो सीधा सीधा हम लोग आते हैं चैप्टर पे. ओके, तो आपको चैप्टर में शुरुआत से पहले एक साइंटिस्ट का नाम है, जिनका नाम है क्या, अर्नस्ट मेयर. ओके, इनको डार्विन की उपाधि दी गई है कि द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी इज नोन एज अर्नस्ट मेयर. इससे मतलब 2002 के पीएमटी में, AIPMT में क्वेश्चन आया था कि हु इज नोन एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, देन द आंसर इज अर्नस्ट मेयर. ओके, उन्होंने मतलब बहुत सारा बायोलॉजिस्ट थे और उन्होंने बहुत तरह की रिसर्च की थी, ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, एवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स और हिस्ट्री, फिलॉसफी और बायोलॉजी. फिलॉसफी का मतलब यहाँ पर एवोल्यूशन से है, ठीक है, मतलब इन सब के बारे में उन्होंने रिसर्च की थी. आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है क्या कि अर्नस्ट मेयर डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहलाते हैं. ठीक है, अब फिर चैप्टर शुरू करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड. यहाँ पर एक आपको पहला पैरा में दिया गया है कि हमारा दुनिया कितना वंडरफुल है, कितने तरह के स्पीशीज़ मौजूद हैं हमारे अर्थ पे, इतने तरह के हैबिटेट्स हैं. ये सबसे कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता आपको. आइए सीधा सीधा, व्हाट इज़ लिविंग, मतलब लिविंग होता क्या है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम उसको कह सकते हैं जो कि ग्रोथ दिखाए, रिप्रोडक्शन शो करे, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट मतलब कॉन्शियसनेस शो करे, या फिर एक मतलब इमीडिएट फीचर दे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. ठीक है, तो मतलब लिविंग क्या है, वो ग्रोथ शो करे. सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, कि रिप्रोडक्शन शो करे. थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी में जो जो रिएक्शन होते हैं वो भी शो करे. फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब एक अच्छे से सेल में हो. फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, कॉन्शियसनेस. ओके, कि वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति कॉन्शियस हो. तो एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ग्रो होता क्या, ग्रोथ क्या होता है. तो ग्रोथ में अगर आपको पूछा जाएगा कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ क्या होता है, आपने देखोगे यहाँ पर मैंने दो तरह के हाइलाइटर्स का यूज़ किया है. पहला है येलो वाला, जिनमें से कि क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, और दूसरा है हमारा रेड हाइलाइटर्स, मतलब उनसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. ठीक है, तो मतलब आप देखिए ग्रोथ क्या होता है, या तो इंक्रीज इन मास, या तो उसका मास बढ़े या तो उसका नंबर बढ़े. ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको क्या कहते हैं, ग्रोथ. ठीक है, तो आपसे पूछा है कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ क्या है, या तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है, ऑप्शन. अब देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से ग्रो करता है. आप प्लांट्स में देखोगे तो प्लांट्स में लाइफ टाइम तक उनकी ग्रोथ होती रहती है, मतलब जब तक प्लांट जिंदा है वो ग्रो करते रहेंगे. बट एनिमल्स में हम देखेंगे कि कुछ सर्टेन एज तक ही होता है, जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, एडोलेसेंस के एज तक भी मतलब उनका ग्रोथ होता है, हाइट वाइट का. ओके, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो कैसे करते हैं, सेल डिवीजन से. ठीक है, कि जैसे आप बहुत तरह के हायर एनिमल्स और प्लांट्स में जाओगे तो फिर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग है. ठीक है, बट अगर हम छोटे ऑब्जेक्ट्स में जाते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, तो फिर उनमें ग्रोथ और ग्रोथ और क्या, इंक्रीज इन नंबर यानी रिप्रोडक्शन उनमें एक होता है. वैसे देखेंगे आगे, अमीबा का एग्जांपल है इसमें. ठीक है, अब देखिए ग्रोथ समझ गए. अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करते हैं. वो कैसे, माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स ग्रो करते हैं. कैसे, एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल ऑन द सरफेस, मतलब उनके सरफेस पे कुछ मटेरियल्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है. आप देखोगे पहाड़ पहले छोटा सा रहता है. ठीक है, कि मतलब कैसे, कि वो पहले देखोगे आप पहाड़ पहले छोटा सा रहता है, फिर धीरे धीरे उस पर किसी मटेरियल के एक्यूमुलेशन होता रहता है. ओके, कलर चेंज कर देते हैं. ठीक है, किसी मटेरियल का एक्यूमुलेशन होते होते धीरे धीरे करके वो प्लांट ग्रो हो जाता है, मतलब सॉरी वो माउंटेन भी बड़ा हो जाता है. ठीक है, मतलब इससे ये पता चलता है कि ग्रोथ तो हो रहा है ना, उनमें मास तो इंक्रीज कर रहा है उसका, तो इसका मतलब वो भी लिविंग है. नहीं, ऐसा बात नहीं है. ठीक है, कैसे, कि
माउंटेन्स, बोल्डर्स और सैंड माउंट्स भी ग्रो करते हैं, है ना, उनका हाइट बढ़ता है, उनका मास बढ़ता है, तो इस वजह से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रोथ शो कर रहे हैं, तो फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ मतलब एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जिससे कि हम बता सकें कि कोई ऑब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग है। ओके, अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया, इम्पॉर्टेंट भी है कि फंजाई एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, ईस्ट और हाइड्रा बडिंग करता है, प्लानेरिया फ्लैटवर्म में ट्रू रिजेनरेशन दिखता है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो ट्रू रिजेनरेशन, देन आपका आंसर होगा क्या, प्लानेरिया, ठीक है। फंगी, फिलामेंटस अल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, ये सब कैसे मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्रैगमेंटेशन से। अब आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर अल्गी या अमीबा, ये लोग, इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम होता है, कैसे, देखिए यहाँ पर आपको मैं एक अल्गी बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले एक, सॉरी, यहाँ पर देखिए एक अलगी बनाया मैंने, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है, ये कुछ टाइम के बाद ग्रो किया, ओके, यहाँ पर बीच में इसके दो न्यूक्लियस पट गए, ठीक है। फिर उसके बाद ये अलगी दो डाउटर सेल्स को दे दिया, ठीक है, तो ये इसमें रिप्रोडक्शन भी हुआ और सेल डिवीजन से इसका ग्रोथ भी हुआ, ठीक है। तो मतलब ये बताना चाह रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम होता है, ओके। तो हम देखें कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं भी करते हैं, जिनमें क्या है, एग्जांपल्स, म्यूल्स, स्टराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो इस हिसाब से ये पता चल रहा है कि जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जैसे ये सब और एक्सेप्शन है इनके, कि म्यूल्स, स्टराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, तो ये सब तो लिविंग है ना, तो इसमें एक्सेप्शन आ गई। तो लिविंग बींग्स का, लिविंग ऑब्जेक्ट्स का रिप्रोडक्शन एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जो कि किसी को बता सके कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ओके। अब देखिए अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताना है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि मेटाबॉलिज्म, कि वो मेटाबॉलिज्म शो करता है। मेटाबॉलिज्म किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन है जो कि हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म्स के बॉडी के अंदर हो सकता है, या तो वो डाइजेशन का प्रोसेस हो, या तो वो मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस हो, ठीक है। तो मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म्स के अंदर अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो फिर एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफ्यूम इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। मतलब हमारे बॉडी में कितना भी, किसी भी तरह का रिएक्शन हो रहा हो, कितना भी रिएक्शन हो रहा हो, केमिकल रिएक्शन, वो सब मेटाबॉलिज्म में आता है। और अगर हम बात करें कि हम किसी बॉडी के बाहर किसी टेस्ट ट्यूब में अगर हम कोई रिएक्शन कराते हैं, तो वो ना तो वो लिविंग होगा, ना तो वो नॉन लिविंग होगा। और अगर हम इन विट्रो में रिएक्शन करवाते हैं, तो फिर वो लिविंग होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है ना। तो फिर मेटाबॉलिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बताने का कि वो ऑब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग, ठीक है। दूसरा क्या ऑप्शन आता है हमारा लिविंग मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बताने का, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट को सेंस करता, ठीक है। जैसे आप एक कछुए का एग्जांपल ले लो, कछुआ में क्या होता है कि मतलब जैसे भी आप उसको टच करते हो, उसको कुछ भी ऐसा लगता है कि अपने सराउंडिंग को सेंस कर रहा है, ठीक है, उसके पास जाते हो तो फिर वो अपना सर अंदर कर लेता है ना, ठीक है। तो जैसे प्लांट्स होता है, प्लांट्स जैसे एक्सटर्नल फैक्टर जैसे लाइट या वाटर या टेम्परेचर के हिसाब से अपने को रिस्पॉन्ड करता है। आप घर में किसी प्लांट को लगाओ, वो उसका ग्रोथ जो होगा सन के डायरेक्शन में होगा, मतलब जिधर से रोशनी आएगी ना, वो उधर ही ग्रो करेगा ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, ठीक है। कुछ भी ऑर्गेनिज्म जैसे पॉल्यूटेंट से या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट से लेकर के प्रोकैरियोट्स तक, ठीक है। तो मतलब सारे ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग है वो अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं। तो फिर
उसमें बताया गया है कि सारे ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन बीइंग में सेल्फ कॉन्शसनेस सबसे ज़्यादा है। ओके कि मतलब आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ़ द ऑर्गेनिजम्स शोज मतलब सबसे ज़्यादा पीक लेवल पे सेल्फ कॉन्शसनेस किस में है, तो आपका आंसर होगा ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इससे हम ये बता सकते हैं कि कॉन्शसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, कि इसका मतलब अपनी इन्वायरमेंट को महसूस करता है, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से ढलता है। ठीक है, नाउ वी कैन से दैट सेल्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रिप्लिकेटिंग, आइए अब डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक, यहाँ पर बताया गया है कि हमारे अर्थ पे टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज को हम जो जाने हैं और डिस्क्राइब किए हैं, एक बात वर्ड याद करिएगा, डिस्क्राइब किया गया है वो कितना है, 1.7 से 1.8 मिलियन, बट एक एक्सेप्शन है रॉबर्ट मे का, जिससे कि नीट 2020 में क्वेश्चन आया था कि रॉबर्ट मे ने अपना बताया है कि इस अर्थ पे अराउंड 7 to 8 मिलियन स्पीशीज है। ठीक है, जिनको हम जानते हैं या फिर जानते नहीं भी, मतलब अराउंड 7 to 8 मिलियन स्पीशीज है, रॉबर्ट मे का क्वेश्चन आया था नीट 2020 में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज जाने जाते हैं और डिस्क्राइब किए गए हैं, तो वो क्या है, 1.7 से 1.8, और कितने नंबर ऑफ स्पीशीज हैं इस अर्थ में, तो वो कितने हैं, इनको 7 to 8 मिलियन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ के हैबिटेट में, हैबिटेट कह सकते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए, हमारे अर्थ पे इतने एडवर्स, इतने डाइवर्स टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, तो सबको बारे में हम लोगों को डिस्क्राइब करना और सबको एक एक करके पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो हमारे साइंटिस्ट ने एक नोमेनक्लेचर बनाया इसमें। ठीक है, नोमेनक्लेचर दिया कि सारे ऑर्गेनिजम को एक क्लास में डाल दिया, उसमें डाल दिया। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर बनाया ताकि हम लोग थोड़ा आसानी से उनको पढ़ सकें, उनको बांट सकें। ठीक है, तो मतलब पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उनको नोमेनक्लेचर के हिसाब से नेम दिया जाता है। हमारे इस वर्ल्ड में दो नोमेनक्लेचर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट वन इज़ वॉट, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर ICBN, एंड दूसरा ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बोटैनिकल नोमेनक्लेचर में क्या होगा, प्लांट्स, फौना, फौना के हिसाब से होता है। ठीक है, फ्लोरा, सॉरी, फ्लोरा के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स का इसमें बताया जाएगा, नोमेनक्लेचर किया जाएगा। और ICZN में क्या, फौना के हिसाब से, मतलब एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से होगा। ठीक है, अब आइए देखिए, हमारा जो नोमेनक्लेचर हुआ है उसमें दो वर्ड रहता है। ठीक है, पहला वाला क्या होता है, जेनरिक नेम, मतलब जीनस का नेम, और दूसरा वाला स्पेसिफिक एफिटेट। ठीक है, स्पेसिफिक एफिटेट मतलब स्पीशीज का नाम, और इनको कहा जाता है क्या, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिया किसके द्वारा गया था, कैरोलस लिन, कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिन भी याद कर सकते हैं, आपको कहीं भी आपको लिन दिखेगा। जेनरिक नेम का क्या मतलब है, जीनस। ओके, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, जेनरिक नेम का नाम है जीनस शॉर्ट में। ठीक है, स्पेसिफिक एपिटेट का स्पीशीज, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लिन के द्वारा। ठीक है, अब आइए यहां पर देखिए, एक मैंगो का साइंटिफिक नेम दिया गया है, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, जीनस है ना, और ये क्या है, स्पीशीज़ है। ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीफेरा क्या है, जीनस, यहाँ पर देखिए बताया गया मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट्स दी जीनस, और इंडिका उसका स्पीशीज़ है। ओके, या फिर स्पेसिफिक एपिथेट। यहाँ पर देखिए, हम बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो कि कैरोलस लिन के द्वारा दिया गया था। उनका चार रूल्स है कि बोटैनिकल नेम्स को जनरली किस में लिखा जाता है, लैटिन में, मतलब वो कहाँ रहते हैं, लैटिन में रहते हैं, और उनको इटैलिक्स में लिखा रहता है। यहाँ पर आप देखो, देखोगे कि मैंगीफेरा इंडिका है ना, तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा इटैलिक्स में, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा करके लिखा जाता है। और अगर फर्स्ट रूल क्या है कि वो लैटिन में होते हैं और उनको इटैलिक्स में लिखा जाता है। ठीक है, और लैटिन हम साइंटिस्ट लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कम बोलने जाने वाली लैंग्वेज है। ठीक है, और पहला वर्ड क्या होता है इसमें, पहला वर्ड डिनोट करता है जीनस। द फर्स्ट वर्ड इज कहाँ पर है, द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स द जीनस, और द सेकेंड वर्ड क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, मतलब जीनस और ये स्पीशीज कहते हैं इसको शॉर्ट में, और दोनों वर्ड्स बायोलॉजिकल नेम में होते हैं।
अगर उनको हाथ से लिखा जाता है तो उनको अंडरलाइन किया जाएगा, ठीक है, या फिर उनको इटैलिक्स में प्रिंट किया जाएगा ताकि उनको बताया जा सके कि वो लैटिन में इनका ओरिजिन है, लैटिन से इनका ओरिजिन है। फर्स्ट वर्ड को हम लोग, जैसे मैंगी फेरा इंडिका में, फर्स्ट वर्ड को हम लोग कैपिटल से शुरू करेंगे और स्पीशीज़ वाले को हम स्मॉल से, ठीक है। तो यही चार रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के, आपको याद करने पड़ेंगे। अगर हम लोग किसी भी नाम को लिखते हैं या फिर वो साइंटिफिक होता है नोमेनक्लेचर के हिसाब से, तो अगर ये हम हैंड रिटन लिखेंगे तो उनको क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे अलग अलग, मैंगीफेरा इंडिका। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि मैंगीफेरा इंडिका लीन, लीन का मतलब है कि ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लीनियस। देखिए यहाँ पर है कैरोलस लीनियस, तो वही लीनियस का शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया लीन, मैंने आपको बताया था अभी। ओके, तो क्लासिफिकेशन समझते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ गए। क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है कि जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स को या किसी भी चीज़ को ग्रुप किया जाता हो, मतलब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उनको बांट दिया जाता है। जैसे वो एनिमल है उनको, वो मैमल्स है, वो फिशेज है, ठीक है, मतलब बांटना, ग्रुप में बांटना इज नोन एज क्लासिफिकेशन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी, ठीक है, कि प्रोसेस करना क्लासिफिकेशन का, उनको बांटना। जैसे यहाँ पर देखो, ये सब एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ये क्या है, टैक्सा है, मतलब टैक्सा क्या, उनको क्लासिफिकेशन है। और इस क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को कहते हैं क्या, टैक्सोनॉमी। ओके, नाउ व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, टैक्सोनॉमी में हम क्या क्या देखते हैं, टैक्सोनॉमी में हम एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर भी देखते हैं, मतलब बाहरी और अंदर का फीचर भी देखा जाता है, उनको कहते हैं टैक्सोनॉमी। नाउ व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, टैक्सोनॉमी में क्या क्या होता है कि टैक्सोनॉमी में हम लोग किसी भी ऑर्गेनिजम्स का इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के स्टडीज़ में आता है वो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, बेसिस प्रोसेस, बेसिक टू टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या क्या होता है, पहले उनका क्लासिफिकेशन, सॉरी, पहले उनका कैरेक्टराइजेशन, पहले पहचानना उनको, आइडेंटिफिकेशन, फिर उनको क्लासीफाई किया जाता है कि वो हैं क्या, मैमल्स हैं या रेप्टाइल्स हैं या कुछ हैं। फिर उनका नोमेनक्लेचर, मतलब अलग अलग नाम, जैसे अगर हम प्लांट्स फ्रूट्स में बात करें तो उनका क्या, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का नाम है ना। और फिर उनको टैक्सोनॉमी इसी प्रोसेस को कहते हैं, मतलब बांटना, कैसे बांटे उनको। नाउ व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, ह्यूमन बीइंग में बताया जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटी बट ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन देम, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफरेंस टू सिस्टमैटिक्स। तो समझते सिस्टमैटिक्स क्या होता है, कि ह्यूमन बींग्स वेयर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड नोइंग अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज बट ऑल्सो द रिलेशनशिप विद देम, द ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफर टू अ सिस्टमैटिक। मतलब ह्यूमन बींग्स जो स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स और उनकी डाइवर्सिटी को, ठीक है, तो उनको कहते हैं क्या, सिस्टमैटिक्स। और फिर हमारे लीनियस भैया ने एक सिस्टमा नेचुरा नाम का थ्योरी दिया था, ठीक है, उनका टाइटल था पब्लिकेशन का, एक बुक दिया था उन्होंने सिस्टमा नेचुरा करके, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिस्टमा नेचुरा ने किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो कैरोलस लीनियस, यहाँ पर शॉर्ट में बस उनका टाइटल दे दिया लीनियस, ठीक है। एवोल्यूशनरी, उनमें उन्होंने क्या क्या बताया था, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब एवोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है, उसमें उन बुक ने बताया था। अब आइए देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या क्या होता है। यहाँ पर देखिए हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की मतलब समझ रहे हो कि उनका अरेंजमेंट अपर से लोअर लेवल या लोअर से अपर लेवल, ठीक है, क्लासिफिकेशन में आता है ये सब। कैब ग्रुप्स रिप्रेजेंट्स कैटेगरीज, कैटेगरीज रिप्रेजेंट फर्दर डिनोट्स रैंक, ईच रैंक ऑफ टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन टैक्सोनॉमिकल किंगडम फाइलम। जैसे आप देखो यहाँ पर लिखा है किंगडम फाइलम और डिवीजन फॉर प्लांट्स क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज, ये सब क्या है, ये सब हमारा टैक्सोन है, क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज। ओके, इसी तरह से क्लासिफिकेशन होता है। आइए सबसे पहला टर्म पे, स्पीशीज, स्पीशीज में आप देखो क्या है, यहाँ पर मैंगी इंडिका, यहाँ पर ये हमारा स्पीशीज है, ठीक है।
taxonomic studies consider a group of individual organisms with a fundamental similarities at a species. ठीक है, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें कुछ कुछ मतलब सिमिलैरिटीज़ हो उनको क्या स्पीशीज़ में रखा जाता है. ठीक है, कि मतलब एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ से थोड़ा सा मतलब मिलता जुलता हो, मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट थोड़ा सा हो, मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहरी सतह से थोड़ा बहुत ही डिफरेंस हो, तो उनको एक में रखा जाता है. जैसे मैंगीफेरा इंडिका, सोलैनम ट्यूबरोसम, पोटैटो, पैंथरा लियो, लायन मतलब इंडियन लायन को पैंथरा लायन के पैंथेरा कहते हैं. ठीक है, पैंथेरा लियो. और अगर हम बात करें टाइगर का तो पैंथरा टिग्रिस टाइगर होता है, और समझ रहे हैं पैंथरा टिग्रिस टाइगर इंडियन टाइगर का नाम होता है. हर जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिटेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. मतलब हर जीनस में एक से ज़्यादा एपिटेट होते हैं, स्पेसिफिक एपिटेट हो सकते हैं. जैसे आप देखो पैंथरा में पैंथरा लियो था, पैंथरा टिग्रिस होता है, एक लियोपार्ड के लिए भी होता है ना. तो मतलब हर जीनस में एक से ज़्यादा स्पीशीज़ को रख सकते हैं. जैसे आप देखो सोलैनम ट्यूबरोसम है, और आगे आप देखोगे जीनस क्या देखो यहाँ पर बताया पैंथरा के तीन टाइप्स, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, लियोपार्ड को कहते हैं पैंथरा टिग्रिस. ठीक है, मतलब एक जीनस के दो एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिटेट हो सकते हैं. और फीलिस इन जिसमें कैट्स में आता है. ठीक है, ये सब कैट्स में आता है, और आप देखोगे कि कैट्स भी इन्हीं की फैमिली में आती है. ठीक है, तो फिर धीरे धीरे उनकी हायरार्की बढ़ रही है. मतलब जैसे जैसे हम स्पीशीज़ से जीनस से फैमिली से ऑर्डर आते जाते हैं, तब वैसे वैसे ये कैटेगरीज बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती जाती हैं. ओके, फैमिली में देखते हैं क्या होता है. फैमिली में हम वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स लेते हैं. ठीक है, दोनों लेते हैं. ओके, जैसे आप देखो सोलैनम पेटोनिया धतूरा, और इनको किस फैमिली में रखा जाता है, सोलेनेसी. ठीक है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि सोलेनेसी फैमिली में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, तो सोलैनम पेटोनिया और धतूरा. अब यहाँ पर देखिए पैंथरा में क्या क्या आता है, लायन आता है, टाइगर आता है, लेपर्ड आता है ना, इनको सब रखा जाता है. कि इनमें फैमिली इनकी क्या है, फेलिस. ओके, फैमिली इनकी है फेलिस, कैट्स में आते हैं ये सब. ठीक है, और इनका फैमिली का मतलब साइंटिफिक नेम क्या है, फेलिडे. और इसी तरह अगर आप देखोगे कि कैट और डॉग है, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ है ना बहुत ज़्यादा, और कुछ डिफरेंसेस भी हैं, तो इनको अलग अलग फैमिली में रखा जाता है. फेलिडे रखा जाता है कि इनको कैट्स फैमिली को, और कैनिडे रखा जाता है कि इनको डॉग फैमिली को. ओके, कैनिडे मतलब डॉग फैमिली. अब आकर देखिए कि ऑर्डर क्या होता है, तो आप आगे देखोगे कि कन्वोल्वुलेसी सोलानेसी इनको ऑर्डर रखा जाता है किन में, पॉलीमोनियल्स. सोलानेसी आपने देखा था क्या था ऊपर, सोलानेसी प्लांट्स के लिए था है ना, कि सोलैनम पेटोनिया धतूरा प्लांट्स में आता है. और हम सोलानेसी कन्वोल्वुलेसी इन सबको एक ऑर्डर में रखते हैं जिनका नाम क्या है, पॉलीमोनियल्स. ठीक है, जिनको कि हम लोग फ्लोरल कैरेक्टर्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं. नाउ व्हेन वी मूव फॉरवर्ड देन क्लास आता है. यहाँ पर देखिए एक दिया हुआ है कि सब स्पीशीज़ लेवल पर पहले होता है, फिर क्लास जीनस लेवल पे आता है, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, धीरे धीरे करके, और ये डाइवर्स होता जाता है. ओके, तो क्लास में देखिए प्राइमेटा जिनमें क्या क्या आ सकता है, मतलब क्लास में और ज़्यादा डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी है ना, जिनमें क्या क्या आ सकता है कि प्राइमेटा ह्यूमंस के लिए मंकी, सॉरी प्राइमेटा क्लास आता है, उनमें बहुत सारे आते हैं, जिनमें आता है हमारा मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन, ये सब किन में आता है, मैमेलिया में. ठीक है, और ऑर्डर आता है क्या, कार्निवोरा. ओके, तो ऐसे ही फाइलम में क्या होता है, इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन. ठीक है, तो फाइलम्स में क्या आता है, जैसे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब आता है क्या, फाइलम में. तो मतलब धीरे धीरे करके डाइवर्सिटी और बढ़ते जा रही है. फिर किंगडम आपको पता ही है ना, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम. ओके, किंगडम ब्रॉड कैटेगरीज धीरे धीरे आता है, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन है ना. ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, इनफैक्ट एनसीईआरटी के आपको हर एक लाइन याद होनी चाहिए कि स्पीशीज़ जीनस सबसे कम
आता है स्पीशीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, फाइलम या किंगडम। फिर जैसे जैसे हम टैक्सा के नीचे जाते जाते हैं तो फिर टैक्स ऑन शेयर बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो उनका रिलेशनशिप बहुत टैक्सोनॉमिक लेवल पे बढ़ता जाता है। आगे आप देखिए, ये चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैन का बायोलॉजिकल नेम है क्या? होमो सेपियंस। तो होमो क्या है यहाँ पे? जीनस, और सेपियंस क्या है? स्पेसिफिक फिटेड। ओके, तो आगे आप देखो कि उनका जीनस क्या? होमियो, होमो। फैमिली क्या आता है उनका? होमिनिडे। ऑर्डर आता है प्राइमेटा। क्लास मैमेलिया। फाइलम कॉर्डेटा। ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर मंकी लगा दें, ठीक है, या फिर चिंपैंजी लगा दें या एप्स लगा दें, तो उनका फैमिली, सॉरी, ऑर्डर सेम होता है। वो भी किन में आते हैं? प्राइमेटा में आते हैं। वो भी किन में आते हैं? ममेलिया में आते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, डाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम है क्या? मस्का डोमेस्टिका। ये अपनी 2020 में क्वेश्चन आया चुका है। ओके, इनका फैमिली क्या आता है इनमें? मोसिडे। ऑर्डर डिप्टेरा। क्लास इंसेक्टा। आर्थ्रोपोडा में आता है, ठीक है। मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा क्या है? जीनस है। और एनआर सीडा, मतलब आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है, धीरे धीरे देखते देखते। अब आते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स होता है कि किसी भी स्पीसीज़ का कलेक्शन हो, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो, और फिर उनको रखा जाए, मतलब फ्यूचर यूज़ के लिए, मतलब उनको अच्छे से कलेक्ट करके और सप्रेस करके रखा जाए फ्यूचर यूज़ के लिए, तो फिर फ्यूचर स्टडीज़ के लिए, तो वो आता है क्या? टैक्सोनॉमिकल एड्स, मतलब कलेक्ट करके रखा जाए। अब आइए देखिए हर्बेरियम। हर्बेरियम की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर्बेरियम क्या? स्टोर हाउस है प्लांट स्पेसिमेंट्स का, जिनको हम लोग सुखाते हैं, पहले ड्राइड करते हैं, प्रेस करते हैं, फिर प्रिजर्व करते हैं शीट्स पे। ओके, यहाँ पर देखिए आप, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इनमें क्या क्या आता है? हर्बेरियम से शीट में क्या क्या रहता है? लेबल होता है, ठीक है, जिनमें हर्बेरियम शीट में लेबल्स होता है, जिनमें कहा क्या लिखा जाता है कि डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से कलेक्ट किया गया, ठीक है। इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटैनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम, ये सब उसके लिखा रहता है शीट में। ओके, नाउ अब हम आते हैं बोटैनिकल गार्डन्स में। तो बोटैनिकल गार्डन्स में क्या होता है कि प्लांट स्पीशीज़ को रखा जाता है, और ये एक्ससीटू कंजर्वेशन में आता है। ओके, तो बोटैनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है रेफरेंस के लिए, फ्यूचर स्टडीज़ के लिए। यहाँ पर बताया गया है कि बोटैनिकल गार्डन में वह कहाँ कहाँ पर है, देखिए क्यों में है, इंग्लैंड में, ये सब आप खुद भी पढ़ सकते हो। बोटैनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली होता है, उसमें क्या होता है? बस साइंटिफिक नेम उसका, कि जैसे मैंगो का होगा तो क्या साइंटिफिक नेम क्या होगा? मैंगीफेरा इंडिका लिखा रहेगा, और उसकी फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। फैमिली का चार्ट आपने ऊपर देखा था, है ना। अब आइए म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम में क्या होता है कि प्लांट्स और एनिमल के स्पेसिमेंट्स को रखा जाता है, ताकि उनको हम शो पीस में लगा सके, या फिर आप देखोगे म्यूज़ियम में कि ओरिजिनल रहता है हर चीज़, चाहे वो इंसेक्ट्स के स्पेसिमेंट्स हो, या फिर एनिमल्स के हो, या फिर स्केलेटन्स भी होते हैं ह्यूमंस के। तो आप देखिएगा कि उनमें प्रिजर्वेशन होता कैसे। तो सबसे पहले इंसेक्ट्स को प्रिजर्व किया जाता है कैसे? पहले उनको कलेक्ट किया जाता है, पकड़ा जाता है, फिर किलिंग, उनको मारा जाता है, और फिर पिनिंग किया जाता है। और अगर आप लार्जर एनिमल्स में जाओगे तो फिर बर्ड्स और मैमल्स को पहले स्टफ़ किया जाता है, उनके अंदर कुछ स्टफिंग की जाती है, फिर उनको प्रिजर्व किया जाता है। फिर अगर आप देखोगे म्यूज़ियम्स में एनिमल्स के स्केलेटन्स भी होते हैं, जैसे आप जाओगे कहीं पर तो डायनासोर का आपने स्केलेटन देखा होगा, ठीक है। मतलब इनमें आपको एक क्वेश्चन दे सकता है कि म्यूज़ियम्स कंटेन फोटोग्राफ्स ऑफ द स्पेसिमेंट्स ऑफ द एनिमल्स, नहीं, उनमें ओरिजिनल होता है सब कुछ स्पेसिमेंट्स। ओके, चलिए अब आगे आते हैं जूलॉजिकल पार्क में। तो जूलॉजिकल पार्क एक ऐसा जगह है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को या प्लांट्स को रखा जाता है एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में, ह्यूमन के केयर के अंदर, ठीक है।
कि जहाँ पर हम उनसे बहुत कुछ देख सकते हैं उनको, और वहाँ पर उनके नेचुरल हैबिट्स के जैसा ही एरिया प्रोवाइड कराया जाता है कि उनको ऐसा लगे कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही है। ओके, तो वैसे बच्चों को ये जगह घूमने में बहुत पसंद आता है। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब देखिए की, तो की एक टैक्सोनॉमिकल एड है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, किसी भी प्लांट या एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के लिए, और उनको डिवाइड करते हैं किसी भी स्पीशीज़ के सिमिलैरिटीज़ या डिससिमिलैरिटीज़ के हिसाब से। अब आगे देखिए कि कीज़ में अगर एक पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है, तो फिर वो क्या होता है, कुपलेट, और अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट हो उसकी में तो वो होता है लीड। ओके, तो सेपरेट टैक्सोनॉमिकल एड्स रिजेक्ट कीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, मतलब अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग की चाहिए, मतलब अलग अलग तरह का डिस्क, मतलब की आप समझ लो कि एक टैक्सोनॉमिकल एड है आइडेंटिफिकेशन के लिए किसके प्लांट्स या एनिमल्स के लिए, स्पीशीज़ के लिए। ओके, तो फिर अलग अलग कीज़ में अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जैसे आप देखो फैमिली के लिए अलग होगा, जीनस के लिए अलग होगा, स्पीशीज़ के लिए अलग होगा, उनके आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए ये सब बनाया जाता है। ठीक, और की आइडेंटिकल इन नेचर होते हैं। अब आगे देखो कुछ दिए गए हैं क्या, फ्लोरा मैनुअल्स और मोनोग्राफ्स के बारे में, कैटलॉग्स के बारे में। तो फ्लोरा जो होता है एक किसी भी हैबिटेट का या फिर उसके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन रखता है कि क्या कितने नंबर ऑफ प्लांट्स उस एरिया में अवेलेबल है। ठीक है, इट कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ गिवन एरिया, मतलब एक एरिया के एक्चुअल मतलब इंफॉर्मेशन रखता है, और उसमें आपको इंडेक्स भी रहता है। ठीक है, प्लांट स्पीशीज़ का, प्लांट के लिए होता है या फ्लोरा। ओके, और मैनुअल्स में क्या होता है कि मैनुअल्स में एक एरिया का नंबर ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज़ होता है जो कि ये किसी एरिया में पाया जाता है। ठीक है, कि मतलब आपको कहा जाएगा कि मैनुअल्स क्या है, तो आप बोलोगे कि वो उसमें रख कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है कुछ स्पीशीज़ के, ताकि उनसे पता चल सके कि एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं। अगला क्या आता है, मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ इन्फॉर्मेशन रखता है सिर्फ एक टैक्सोन का, कि जैसे आपको फैमिली के बारे में हो, ठीक है, फैमिली प्राइमेट के बारे में, प्राइमेटा, तो मोनोग्राफ में आपको बस उसी प्राइमेटा के बारे में ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब आइए देखिए समरी, चैप्टर तो वैसे ख़त्म हो गया, तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि टैक्सोनॉमिस्ट ये स्टडीज़ क्या होता है, हर्बेरिया के हर्बेरियम शीट्स, म्यूजियम्स, बोटानिकल गार्डन्स में, मतलब एक्चुअल स्पेसिमेन को कहाँ रखा जाता है, जूलॉजिकल पार्क्स में रखा जाता है। तो टैक्सोनॉमिक अलग अलग तरह के टैक्सोनॉमिक एड बनाए हैं ताकि किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम आइडेंटिफिकेशन कर सकें। ठीक है, और उनका नेम कर सकें, क्लासिफिकेशन के हिसाब से बांटा गया उनको। ठीक है, और अब बोटानिकल गार्डन या जूलॉजिकल पार्क में हम लोग लाइव स्पेसिमेन को रखते हैं, और म्यूजियम्स में हम लोग डेड स्पेसिमेंस को रखा जाता है। टैक्सोनॉमिस्ट्स आल्सो प्रिपेयर एंड टैक्सोनॉमिक कीज़ आर द टूल्स दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कीज़ के बारे में बता रहा है। तो कीज़ क्या है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, मैंने आपको अभी बताया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, चाहे किसी भी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हो, हर अलग अलग टाइप के टैक्सा के लिए अलग अलग टाइप का कीज़ होता है। ओके, यहाँ पर ऊपर में बताया था, है ना, ये जैसे देखिए जी फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए होता है, मतलब अलग अलग के लिए अलग अलग टाइप का कीज़ होता है, मतलब की एक तरह का आइडेंटिफिकेशन है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए किया जाता है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मिस सो केयरफुली।